रोहतास जिले के डेहरी स्थित नारायण मेडिकल अस्पताल में कल यानी 23 अक्टूबर को पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। वहीं आज स्थिति का जायजा लेने बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा रोहतास पहुंचे। जो एनडीए, जो भाजपा, जेडीयू और बाकी दो पार्टियों की हमारी गठबंधन है, वह गठबंधन स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर रही है और सरकार बना रही है। तो आप जानते हैं कि इस पूरे देश में यदि आज तक सर्वाधिक कोई यशस्वी प्रधानमंत्री हुआ तो उनका नाम श्री नरेंद्र मोदी जी। अभी तो बिहार के चुनावी मैदान में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन नहीं हुआ है और ओपिनियन पोल ये स्पष्टता बता रहे हैं कि भाजपा विधानसभा चुनाव को लेकर रोहतास जिले के 5 विधानसभा क्षेत्र में तेजस्वी यादव ने ताबड़तोड़ चुनावी सभा की। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला, तो वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि 10 नवंबर को नीतीश कुमार की विदाई तय है। विधानसभा चुनाव में प्रचार को लेकर नेता सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते दिख रहे। इसी कड़ी में सासाराम के सांसद छेदी पासवान ने कहा कि बिहार के लोगों में प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा है, वह कोरोना को कुछ नहीं बूझते। एलजेपी को लेकर छेदी पासवान ने कहा कि एलजेपी एनडीए से बाहर है। पार्टी में नेता है ही हमारे, जितने हमारे पार्टी में नेता है वो किसी पार्टी में नहीं है। तो यहाँ कोई भी आता है तो बड़े नेता आते हैं, तो पार्टी के चुनाव है, ये प्रतिष्ठा का सवाल है, राजहित में ही है, राज्य को मजबूत करना है, तो बड़े बड़े नेता आके कार्यक्रम दे रहे हैं और पार्टी को मजबूत करें, तो इसमें शिकायत की क्या बात है। विधानसभा चुनाव को लेकर जहानाबाद में आरसीपी सिंह ने जेडीयू कार्यालय में बैठक की। इस मौके पर उन्होंने विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाया। वहीं उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार का विकास किया है। सिरमौर शिक्षक स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 22 अक्टूबर को मतदान किया जाएगा, जिसमें शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली शामिल है। मतदान को लेकर चारों जिलों के जिलाधिकारियों ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। मतदान है इसका, उसके आज हम लोगों ने यहाँ से डिस्पैच किया है पोलिंग पार्टी को और पेट्रोलिंग पार्टी को, और उनको सामग्री और बाकी चीज़ें उपलब्ध कराया है। कोरोना से सुरक्षा का जो मटेरियल है वो भी सब बूथ के लिए, सब मतदाताओं के लिए भी उपलब्ध कराया है। उसी की लास्ट मिनट ब्रीफिंग जो होती है वो ब्रीफिंग हम लोगों ने किया है। सुशांत सिंह मामले को लेकर मुजफ्फरपुर जिला के कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। दरअसल मामले में सलमान खान, संजय लीला भंसाली, एकता कपूर, आदित्य चोपड़ा, करण जौहर सहित 7 लोगों पर परिवाद दायर किया गया था, लेकिन सुनवाई के दौरान केवल सलमान खान के वकील ही उपस्थित रहे, जिसको लेकर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए अगली सुनवाई 6 नवंबर को टाल दी है। सुशांत सिंह आत्महत्या मामले में आज मुजफ्फरपुर में एडीजे प्रथम के न्यायालय में सुनवाई हुई। उसमें पूर्व में न्यायालय के द्वारा सलमान खान के वकील अपियर हुए थे और आज भी उनके वकील अपियर हुए हैं, परंतु संजय लीला भंसाली, आदित्य चोपड़ा, एकता कपूर समेत 7 जो न्यायालय में उपस्थित आज नहीं हो पाए हैं, उनको अंतिम मौका दिया गया है न्यायालय में हाजिर होने के लिए। न्यायालय ने कहा है कि एक मौका उनको दिया जाता है, अगर नहीं अब हाजिर होते हैं तो एक तरफा माने एक्स पार्टी करके एक तरफा सुनवाई होगी और उस बीच में कोई भी बात उनकी न्यायालय में नहीं सुनी जाएगी। मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 3 युवकों के समर्थन में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस गुंडागर्दी कर रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि सोना लूट के मामले में 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। मामला यही है कि सोनरपट्टी में 3 कृष्णा नाम का आदमी है, सभी लोग सुनार है, जिसमें एक हम भी है, मेरा भी नाम कृष्णा है, एक और कृष्णा है पीएन मार्केट का, और एक कृष्णा नाम से दुकान है यहाँ सोना चांदी का। आज के पेपर में यही दिए हुआ है कि ये तीनों का लूटपाट का साजिश कर रहा था और ये तीनों को कल के डेट में उठा के ले गए हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। ये रविवार को हमारे दुकान से इस लड़का को उठा के ले गया है। विधानसभा चुनाव को लेकर जमुई के झाझा में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा। वाहन चेकिंग अभियान की अगुवाई SI मदन सिंह सहित अर्धसैनिक बल कर रहे। इस दौरान वाहनों की गहन तलाशी ली जा रही है। अरवल के कलेर में जनसभा को संबोधित करते हुए महागठबंधन के नेता दीपंकर भट्टाचार्य ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ से यूपी नहीं संभल रहा और वह बिहार के विकास की बात करते हैं।